जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी वो नशा मेरी खास थी वो मनाली कव्वाली कव्वाली। तो हे गाइस कैसे हो आप सभी, होप कि सब बढ़िया होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार के न्यू सेक फेयर स्टेटस वीडियो। तो गाइस अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये वीडियो हम बनाएंगे इस ऐप से, मैं आपको दिखाता हूँ। VN वीडियो एडिटर इसका नाम है, आप प्ले स्टोर पर जाके बिल्कुल भी आसानी इसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर जाके आपको लिखना है VN एडिटर, अगर लिखोगे तो ये ऐप ऊपर में आ जाएगा। 90 MB का ऐप है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना गाइस, उसके बाद इसको ओपन करना है। अब इसको एडिटिंग को मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो हम थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे वो काइनमास्टर ऐप में जाने के बाद करेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इस ऐप में जाना है, तो आप जो अपनी इंटरनेट को ऑन कर लेना। ओके गाइस, हो सके इंटरनेट ऑन करना, कहीं हो सकता है हमें इंटरनेट से इसमें जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है वो डाउनलोड करने के लिए कहा जाए, तो इंटरनेट को ऑन कर लेना फिर भी। तो गाइस इस प्रकार से ये ऐप खुल के आएगा, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। ओके गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑल एंड टेम्पलेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो वीडियो, तो आपको फोटो पे क्लिक कर देना है। या फोटो पे क्लिक करोगे आपको अल पे क्लिक करना है। अल पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका फाइल में फोटो है, जो भी फाइल में, उस फाइल से अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपनी फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा इस फाइल में फोटो है, आप लोग देख सकते हो। तो ये एक फोटो दो मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप जितना ही फोटो को आप सिलेक्ट करना चाहते हो अपनी फोटो को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने 4 से 5 इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। और हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा ओरिजिनल का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है टिकटॉक करके, ओके 9:16 का साइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टिकटॉक करके है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस मैं इतना धीरे से आपको इसलिए समझा रहा था कि आपको सही से समझ में आए गाइस। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से एड हो चुका है, तो यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसको आप डिलीट कर देना। ओके गाइस, ये इसका कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अगर आप ऑडियो सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैं ऑडियो सेलेक्ट करूँगा काइनमास्टर से सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि काइनमास्टर में जाने के बाद भी हम इस वीडियो को एडिट करेंगे, तो वीडियो एंड करते रहना आप। तो गाइस अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रांजेक्शन जो दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन हमें ऐड नहीं करना है। ओके गाइस, ट्रांजेक्शन इसमें नॉन रखना है, ट्रांजेक्शन हमें ऐड करना ही नहीं है। यहाँ पे एक इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FX करके, इस पर क्लिक करना है। ओके, FX पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये जो FX मतलब इफेक्ट आप बोल सकते हो FX है, इसको आप यहाँ से इसका लेंथ जो बढ़ा सकते हो, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से इतना लेंथ ये बढ़ेगा। उसके बाद आप इसको रख सकते हो, कहाँ पर रखना है आप, शुरू वाले पोजिशन में रखोगे या बीच में रखोगे या एंड में रखोगे, तो इस प्रकार से आप रख सकते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आप शुरू में रखो और अपने हिसाब से देख लेना गाइस, यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है, तो आपको जो अच्छा लगता है इस प्रकार से उसको आप सिलेक्ट कर लेना। और गाइस ये वाला ऐप से एक बहुत ही तगड़ा वीडियो आने वाली है इस चैनल पे, इस ऐप से एडिटिंग को लेकर, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लेना गाइस, वो एक दो दिन में आ जाएगा, बहुत ही तगड़ा एडिटिंग होने वाली है। ओके गाइस, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो गाइस यहाँ से आप लोग देखते हो इस प्रकार से इसको आप एड कर लेना, और इसका लिंक आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। फिर इसमें भी वही करना है, और FX पर क्लिक करना है और अपनी FX सिलेक्ट करना है, और इफेक्ट मतलब जो FX है तो इसको इस साइड शुरू के साइड लेकर आना है, इसमें वही करना है, FX पर क्लिक करना है और यहाँ से एड करना है, उसको शुरू में लेके आ जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, इस प्रकार से आपको शुरू में लेके आ जाना है। तो गाइस शुरू में लेके आने के बाद हमें ये होगा, इसमें एक ट्रांजेक्शन जैसा इफेक्ट आएगा, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। पहले मैं इसमें एड कर लेता हूँ सब इमेज में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, एड कर लिया मैंने, इसमें भी मैं एड कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको एड कर लेना, ये स्लाइड राइट है, ये भी ये शेक है, ये भी बहुत मस्त है गाइस, तो अपने हिसाब से देख लेना जो आपको अच्छा लगता है वो आप एड कर लेना। तो गाइस अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ तक हमारा इफेक्ट खत्म हो गया वहाँ से अपनी इमेज का जो इस प्रकार से लेंथ घटा देंगे, इस प्रकार से इस पर क्लिक करके इसको लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे तो लेंथ घट जाएगा, आप लोग देख सकते हो। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको करना है गाइस। ये चाइनीज़ ऐप जैसा बिल्कुल भी नहीं है, चाइनीज़ ऐप में ये होता था कि आप शुरू में भी FX डाल सकते थे और एंड में भी डाल सकते थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप शुरू में इसे डाल सकते हो या एंड में ही डाल सकते हो। ये चाइनीज़ ऐप से मतलब चाइनीज़ ऐप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका कॉपी आप बोल सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से इसको भी यहाँ से एड कर लेना, वही चाइनीज़ ऐप जो कुछ दिन पहले टिकटॉक पर वायरल हुआ था। ओके गाइस आपको पता ही होगा। तो गाइस इस प्रकार से आपको एड कर लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ट्रांजेक्शन के हिसाब से हमारा फोटो भी एड हो गया और देखने में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रही है गाइस। इसमें जो मैंने इफेक्ट FX यूज़ किया है वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, दूसरा एड करता हूँ। और स्पीड थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा रह जा रहा है गाइस, थोड़ा
कम कम कर देना, क्योंकि ज़्यादा देर तक आपका फोटो में इफेक्ट रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसमें ठीक है, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं कम कर देता हूँ इस प्रकार से। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना गाइस, जैसा आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से आप एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे अगर ऑडियो सेलेक्ट करना है तो ऑडियो भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, फिर यहाँ पे स्पोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ से 1080p 720p आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये 30 फ्रेम रेट मतलब इसी भी रखना आप, यहाँ पे है डिफ्यूट लो हाई, तो डिफ्यूट पे जो भी है गाइस उसके डन कर देना। आपको डन करने के बाद गैस नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पोर्टिंग का, तो इसको आपको होने देना है। तो जैसे ये हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा वेट करके। तो यहाँ इसको आप पोस्ट भी कर सकते हो ये ऐप में, ताकि कोई दूसरा मतलब बंदा जो इस वीडियो को देख सके। तो अगर आप लोग देखते हो सेव टू एल्बम कर देना है और ओके कर देना है। तो ये हो गया गैस, तो हमारा जो फ़ोन में ये सेव हो चुका है। अब एडिटिंग करते हैं अगला एडिटिंग काइन मास्टर ऐप में जाने के बाद। तो गैस चलिए काइन मास्टर ऐप में। तो गाइस काइन मास्टर में इस प्रकार से आपको आ जाना है। काइन मास्टर में आने के बाद फिर प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से विजुअल साइज को सिलेक्ट करना है। फिर आपको मीडिया क्लिक करना है और जो वीडियो को आपने वहाँ पे स्पोर्ट किया था उसको यहाँ से एडिट करना है। इस प्रकार से आपको एडिट कर लेना है गाइस। आप लोग देखते हो इस प्रकार से मैंने एडिट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। आपको सेम टू सेम इस प्रकार से एडिट कर लेना है। अब गाइस एडिट करने के बाद अब हमें क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, ऑडियो लाइव फेड को यहाँ पर एडिट कर लेना है। मतलब देखने के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा वीडियो देखने में, इसीलिए यार एडिट कर लेना क्या जा रहा है। तो इस प्रकार से इसको डाउनलोड कर लेना और एड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस आपको। तो गाइस ऐसा कुछ इफेक्ट आप लोग देखते हो, साइज को इस प्रकार से फुल कर देना है और ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है, मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार से। फिर लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है गाइस। मीडिया पर क्लिक करने के बाद फिर से अपना बॉर्डर इमेज को यहाँ से एड कर लेना है। तो गाइस मैं इसको एड कर लेता हूँ, आपको इस प्रकार से एड करना है और इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, इसका भी लेंथ इस प्रकार से बढ़ा देना है। फिर आपको ऑडियो पर क्लिक करना है, जो भी आपका ऑडियो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं अपनी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये हमारा ऑडियो है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो हमारा जो मेन ऑडियो है वो एंड में है, तो मैं उसको पहले लाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मैंने अपने ऑडियो को ट्रिम कर दिया, अब मैं अपनी वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार की वीडियो बनी है। तो गाइस मैं आपको कहूँगा कि आप सेम इफेक्ट मत डालना, नहीं देखने में गाइस कितना मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सेम इफेक्ट है तो आप अलग अलग डालना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके गाइस, तो गाइस फिर हम यहाँ पे भी शेयर करने पे क्लिक करके अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे वही रखेंगे 1080p और 30 फ्रेम रेट इस प्रकार से एक्सपोर्ट कर लेंगे गाइस। सो गाइस आज का वीडियो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और भी ऐसे स्टेटस एडिटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।